जय सियाराम, जय सीताराम, जय हिंद, जय भारत। आज मैं आप लोगों को प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस पढ़ाने जा रहा हूँ, वो पास्ट इंडिफिनिट टेंस, सॉरी पास्ट। आपको जानकारी के लिए बता दूं कि इस टेंस को टेंस का राजा भी कहते हैं, टेंस का राजा भी कहते हैं। क्यों कहते हैं उसका कारण है, क्योंकि एक पहला टेंस है, 16 टेंस मतलब प्रकार, सॉरी 12 टेंस प्रकार सहित जो भी है, 12 टेंसों में एक पहला टेंस है कि जो दो तरह की वर्ब लेता है ना, अफर्मेटिव में अलग, निगेटिव इंट्रोगेटिव में अलग होता है। तो इसकी पहचान जो है, इसकी पहचान यह है कि मतलब काम अभी खत्म हुआ है, काम अभी खत्म हुआ, जैसे शेर भाग गया है ना, उसने मुझे देखा, ये कुछ भी मान लो ऐसा। तो जब वाक्य के अंत में था, तिथि, तेथे, आया, या मतलब या ऐसा जोड़ लो, या ये आदि शब्द। ठीक, जब वाक्य के अंत में ताथा, तिथि, तेथे या ए ई आदि शब्द आए, अब इसका पहचान हो गया, ये आइडेंटिफिकेशन हो गया। अब हेल्पिंग वर्ब की बात आई तो देखो, इसमें लिखना पड़ेगा आपको कि अफर्मेटिव सेंटेंस में भी टू के अलावा कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं लगती। वर्ब नहीं लगती, ठीक। दूसरा नंबर, निगेटिव तथा इंट्रोगेटिव में सभी कर्ताओं के साथ, कर्ता मतलब सब्जेक्ट, कर्ता मतलब सब्जेक्ट, कर्ताओं के साथ डिड प्लस V1 का प्रयोग होता है। ठीक है, एक चीज और आप लोग जान लो, डिड का नेचर जो है, हमेशा जहां डिड आएगा वहां V1 लगेगा ही लगेगा, V2 नहीं ले सकता, V3 नहीं ले सकता, डिड का नेचर है। ठीक है, अब इसके बाद यहां चलते हैं हम अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव इसका स्ट्रक्चर जो है, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। V2 मतलब वर्ब का सेकंड फॉर्म, वर्ब का सेकंड फॉर्म। जैसे मान लो पहला एग्जांपल, शेर भाग गया, शेर भाग गया, शेर को जानते हो लायन, तो द लायन। अब V2 भागना है ना, तो रन मतलब भागना, दौड़ना, तो
तो रन रन रन, तो आर ए एन अवे, भागने का मतलब रन अवे, शेर भाग गया, द लायन रन अवे, ठीक है। अब इसके आगे ये हेल्पिंग वर्ब वाला, इसको भी देखो, आगे दूसरा नंबर, पुलिस ने चोर का पीछा किया, पुलिस ने चोर का पीछा किया। अब एक चीज आप जान लो कि पुलिस ने चोर का पीछा किया तो द पुलिस अब पीछा करने की स्पेलिंग वैसे कुछ नहीं है कि मतलब चलो चेस, तो चेस मतलब होगा किसी स्कोर का पीछा करना, है ना, रन चेस, ठीक है। अब चेस मतलब हुआ क्या, किसी का पीछा करना, लेकिन ये इंसान का पीछा कर रहा है ना, तो क्या लगाओगे, उसके बाद दौड़ने वाला पीछा कहलाए ना, जैसे मान लो तुम भागो मैं तुम्हारे पीछे भागने लगू, मैं तुम्हारे बाद दौड़ा, इसमें सेंस लेना है कि मैं तुम्हारे बाद दौड़ा, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, द पुलिस रन आफ्टर थीफ, पुलिस जो है चोर के बाद दौड़ी, पुलिस जो है चोर के बाद दौड़ी, ठीक है। जैसे मान लो तीसरा नंबर, उसने मुझे देखा, उसने मुझे देखा, तो देखो यहाँ बच्चों को कन्फ्यूजन होता है कि ही लगाएं कि सी लगाएं, तो तुम जो भी लगाओ ही सी दोनों का मतलब सेंस वही होगा, क्योंकि देखा देखी तो है नहीं, देखा तो सी ज़्यादातर प्रचलन में सी है, तो सी अब उसने मुझे देखा, तो सी लुक्ड, लुक मतलब देखना होता है, एट मी, तो लुक का सेकंड फॉर्म क्या होगा, लुक्ड, ठीक। इस तरह आप इसको बना सकते हैं। अब चलते हैं निगेटिव में, तो निगेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस में स्ट्रक्चर आप पहले देखो, तो सब्जेक्ट प्लस, अब मैंने क्या बताया, निगेटिव डिड प्लस नॉट प्लस वी वन प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, ठीक। मतलब डिड आएगा जहां भी आए, आप लोग बिल्कुल समझ जाओ कि उसमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही आएगा, ठीक है। इसका एग्जांपल पहला, तुम इस तालाब में नहीं नहाते थे, तुम इस तालाब में नहीं नहाते थे, है ना। तो तुम किसके माने होता है, यू, पहले सब्जेक्ट की मीनिंग यू, अब डिड तो सब में लगना है, कोई दिक्कत ही नहीं है, नाट उतार लो, डिड नाट। अब देखो नहाना, नहाना किसके माने होता है, टेक बाथ, बाथ मतलब नहाना, है ना, तो टेक बाथ, अब कहाँ नहीं नहाते थे, इस तालाब में, कहाँ नहीं नहाते थे, इस तालाब में, तो इन दिस पॉन्ड, इन दिस मतलब यह है, इन दिस पॉन्ड यह तालाब में, ऐसा। दूसरा नंबर देखो आप, बिल्ली पेड़ पर नहीं चढ़ी, बिल्ली पेड़ पर
नहीं चढ़ी। बिल्ली पेड़ पर नहीं चढ़ी, ठीक है। तो बिल्ली किसके माने होता है? कैट। डिड नॉट तक आ जाओ। अब वर्ब वी वन लगना है, चढ़ना, क्लाइंब। कहाँ नहीं चढ़ी? पेड़ में। कहाँ नहीं चढ़ी? पेड़ में। तो इन द ट्री। कैट डिड नॉट क्लाइंब इन द ट्री, ठीक है। तीसरा ऊपर लिख दो, डन। अब आगे देखते हैं। एक एग्जांपल और ले सकते हो आप कि वे वहां नहीं जाना चाहते थे। वे वहां नहीं जाना चाहते थे, तो मेन सब्जेक्ट क्या है? दे। दे के बाद डिड, डिड के बाद नॉट। अब यहां तक पहुंच गए। अब भी वन क्या है? दे डिड नॉट चाइना। देखो इसमें मैंने पहले बताया था कि ना अपने से जोड़ लो, तो वे ना, वहां ना, नहीं ना, जनाना, जानाना, मतलब सेंस क्या बदल देगा? ना बदलना नहीं चाहिए। तो चाहते को चाहना कह सकते हैं। वर्ब की पहचान मैंने बेसिक में सब बताया, वीडियो में आप देखिएगा। तो दे डिड नॉट वांट मतलब चाहना। अब वांट हो गया, अब कहां नहीं जाना चाहते थे? तो वांट टू गो देयर, वहां नहीं जाना चाहते। दे डिड नॉट वांट टू गो देयर, दे डिड नॉट वांट टू गो देयर। फिर इसके नीचे अब देख लेते हैं हम इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव मतलब प्रश्नवाचक वाक्य है ना, स्ट्रक्चर। तो इसमें सबसे पहले क्या लगेगा? डिड। फिर आया आपका सब्जेक्ट, फिर आया आपका वी वन, फिर आया आपका ऑब्जेक्ट, फिर आया आपका अदर वर्ड, फिर आया आपका क्वेश्चन मार्क। अगर डब्ल्यू एच है तो प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वी वन प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क, ठीक है। इतना कर लोगे? अब देखो, क्या तुमने उसे किताब दी? तो क्या तुमने उसे किताब दी? तो डिड यू गिव हिम, किसको दी? क्या दी? बुक। ऐसा डिड यू गिव हिम द बुक, क्या तुमने उसको किताब दी? दूसरा एग्जाम्पल, वे वहां। अब इसमें मैं इंट्रोगेटिव निगेटिव दोनों कराए देता हूं, है ना। वे वहां क्यों नहीं गए, मतलब है ना, गए वे, ठीक है, समझ में आ रही बात। अब देखो, तो डब्ल्यू एच डिड सब्जेक्ट, तो डब्ल्यू एच क्या है? वाई, तो वाई डिड। अब डिड के बाद क्या आएगा? सब्जेक्ट आएगा, तो आई डिड दे। अब देख, थोड़ा दिमाग लगाना यहाँ, डिड के बाद यहाँ नॉट लगा लो,
वाई डिड दे नॉट गो, कहाँ नहीं गए, वहाँ देयर, है ना। देखो हर वीडियो में मैं ये बताता हूँ कि सब्जेक्ट इंट्रोगेटिव निगेटिव में सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में नॉट का प्रयोग कर देना है। अगर मान लो अगर ये होता कि वे वहाँ क्यों गए, नहीं ना होता तो हम बना देते वाई डिड दे गो देयर, ठीक है, नॉट हट जाता, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो हमारी पसंद आई हो तो इसको चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करिए। जय हिंद, जय भारत।